दोस्तों, जिंदगी में बहुत कुछ चुभती है और टूटती है। जो चुभती है वो बातें होती हैं, और जो टूटती है वो उम्मीदें होती हैं। जी हाँ, मैं रितेश कुमार आप लोगों के बीच एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हो रहा हूं। आपने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ एहसास किया हो। आप अपनी जिंदगी में जैसे कोई काम करने के सोचा हो और वो काम पूरा ना हुआ हो, क्या एहसास होता है? किसी समय आपने कोई एग्जाम की प्रिपरेशन की हो और उस एग्जाम को आपने कभी क्वालिफाई ना कर पाया हो, फिर क्या एहसास होता है? फिर किसी बातों पर आपके पिता की डांट हो या पिता क्या थप्पड़ हो, फिर क्या एहसास होता है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उस चीज की जो हर दिन, हर पल, हर सेकेंड, हर घड़ी टूटती रहती है, और क्यों टूटती ही नहीं है, फिर जुड़ती भी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उम्मीद की। आज मैं आप लोगों के बीच एक पोएट्री पेश करने जा रहा हूं। मुझे आशा है कि पिछली सारी वीडियो की तरह ये भी वीडियो आपको पसंद आएगी। बात शुरू करने के पहले मैं सोच रहा हूं कि आप पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके एक लाइक से हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिसके लिए मैं नित या प्रतिदिन एक नए वीडियो के बारे में सोचता हूं। और सब्सक्राइब करने से और बेल आइकन दबाने से जो मैं वीडियो बना रहा हूं, इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। बात मैं उम्मीद की कर रहा हूं। ये उम्मीद ऐसी है कि जो प्रतिदिन आपके जिंदगी में आती है, टूटती है और फिर जुड़ती है, और फिर जिंदगी ऐसे ही प्रतिपल, हर सेकेंड, हर दिन गुजरती रहती है। यानी इस कविता का शीर्षक है उम्मीदें। लाइन ऐसी है कि बड़ी रंगीन होती है उम्मीदें, बड़ी रंगीन होती है उम्मीदें, कभी काली तो कभी सफेद होती है, बड़ी नाजुक भी होती है, बड़ी नाजुक भी होती है, थोड़ी सी चोट क्या लगती टूट जाती है, थोड़ी सी चोट क्या लगती टूट जाती है, बड़ी रंगीन होती है, कभी काली तो कभी सफेद होती है, बहुत जादुई बादशाह भी होती है, बहुत जादुई बादशाह भी होती है, थोड़ी सी भी बच जाए तो बट वृक्ष रूपी जड़ की तरह फिर से जुड़ जाती है, बड़ी रंगीन होती है, कभी काली तो कभी सफेद होती है। जब टूटती है तो आंखों में समुद्र सा सैलाब लाती है, जब टूटती है तो आंखों में समुद्र सा सैलाब लाती है, और जब जुड़ती है तो मन को सपने का बादल दिखाती है, बड़ी रंगीन होती है, कभी काली तो कभी सफेद होती है, बिन मौसम बरसात की तरह होती है, बिन मौसम बरसात की तरह होती है, जरूरत पड़ने पर ईद की चांद की तरह होती है, जरूरत पड़ने पर ईद की चांद की तरह होती है, बड़ी रंगीन होती है, कभी काली तो कभी सफेद होती है। मन की हर महत्वाकांक्षा पूर्ण होने पर, मन की हर महत्वाकांक्षा पूर्ण होने पर बिन बुलाए बारात की तरह होती है, बड़ी रंगीन होती है, कभी काली तो कभी सफेद होती है। जब टूटती है तो तमाम बहानों का छत ढूंढती है, जब टूटती है तो तमाम बहानों का छत ढूंढती है, और जब जुड़ती है तो मन के भविष्य को, जब जुड़ती है तो मन के भविष्य को सपने की खुशियों से भर देती है, बड़ी रंगीन होती है, कभी काली तो कभी सफेद होती है, जुल्मों का सौदागर भी होती है, जुल्मों का सौदागर भी होती है, क्योंकि खुद को पूरा न होने पर कत्ल और गुनाह कराती है, खुद को न पूरा होने पर कत्ल और गुनाह कराती है, बड़ी रंगीन होती है, कभी काली तो कभी सफेद होती है। आंखें तो नहीं होती पर देखती बहुत दूर है सफर,
आंखें तो नहीं होती पर देखती बहुत दूरे सफर, पैर भी नहीं होते, पैर भी नहीं होते लेकिन चलती है कब्र तक, बड़ी रंगीन होती है कभी काली तो कभी सफेद होती है। स्वार्थों का ब्रिज भी होती है, स्वार्थों का ब्रिज भी होती है, कभी पार कराती है तो कभी डुबो देती है, कभी पार कराती है तो कभी डुबो देती है, बड़ी रंगीन होती है कभी काली तो कभी सफेद होती है। इतने अपराधी होने पर भी बड़ों बड़ों के बिस्तर पर आराम फरमाती है, इतने अपराधी होने पर भी बड़ों बड़ों के बिस्तर पर आराम फरमाती है, और गरीब वंचित और शोषित के सपने में ही आती है, गरीब वंचित और शोषित के सपने में ही आती है, बड़ी रंगीन होती है कभी काली तो कभी सफेद होती है, बड़ी मनमोहक भी होती है इतने सताने के बाद भी वफा में रुलाती है और बिछड़ जाने का एहसास कराती है, बड़ी मनमोहक भी होती है इतने सताने के बाद भी वफा में रुलाती है और बिछड़ जाने का एहसास कराती है, बड़ी रंगीन होती है कभी काली तो कभी सफेद होती है। ऐसे ही गुजार देती है पूरी जिंदगी, ऐसे ही गुजार देती है पूरी जिंदगी, कभी आज कभी कल तो कभी परसों बनकर, कभी आज तो कभी कल तो कभी परसों बनकर, बड़ी रंगीन होती है कभी काली तो कभी सफेद होती है। प्यारे दोस्तों, मुझे आशा है कि ये भी कहानी आप अपने जिंदगी से जोड़ पाएंगे, ये सारी लाइनें आपको ऐसे एहसास कराएगी जैसे आप अपनी जिंदगी में हर पल को ऐसे ही जीते हो। ये कहानी हमारी और आपकी नहीं, हर लोगों की कहानी है, कोई कहता है कोई कह नहीं पाता है, लेकिन इस कविता के माध्यम से आप सबकी कहानी आप लोगों के बीच में भेज रहा हूँ। मुझे आशा है कि आपको भी कहानी पसंद आएगी, और इन कहानी से कुछ सीखिए, कुछ भूलिए और कुछ याद रखिए, और बस मीठा सा एहसास रखिए। फिर आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।